दोस्तों, इमरती बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ये जल्दी आसानी से घर में नहीं बन पाती, लेकिन आज मैं आपके लिए जो ट्रिक लेकर आई हूँ, इस ट्रिक से आप इजीली घर में इमरती बना सकते हैं। इससे आपकी इमरती बहुत ही जूसी, क्रंची और दिखने में भी आकर्षक बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो ट्रिक क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों, मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिलीशियस इमरती रेसिपी। होममेड विदाउट कलर इमरती बनाने के लिए आपको यूज करना है 250 से 300 ग्राम ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। 200 ग्राम धुली हुई उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल ही यूज करेंगे। लगभग 250 ग्राम चीनी, ड्राई फ्रूट्स गार्निश करने के लिए, और 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर। सबसे पहले उड़द की दाल को 3-4 पानी का धुल लेंगे। उसके बाद इसे 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। दाल को एक बड़े बर्तन में डालते हैं क्योंकि ये फूल कर दुगना हो जाता है। अब इसमें पानी डालकर हाथ लगाकर 3-4 पानी का धुल लीजिए, जब तक कि इसके मैल साफ ना हो जाए। ये देख पा रहे हैं कितने पीले पीले पानी है इसके। दाल को 3-4 पानी का धुल लिया। अब इसमें लगभग 2 इंच ऊपर तक पानी डालकर इसे ढककर 6 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। फूलने के बाद हम अगला प्रोसेस करना शुरू करेंगे, उसके पहले नहीं। उड़द की दाल फूल चुकी है, अब चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक बड़े पैन का उपयोग करेंगे। 250 ग्राम चीनी डालकर लगभग आधा ग्लास पानी डालते हैं। अब इसे इंडक्शन या गैस पर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा एक तार की चाशनी बनने लगे, इतना गाढ़ा इसे करना है। इसे एक दो बार चला देंगे, चेक कर लेते हैं कि इसमें चाशनी की तार बन रही है या नहीं। अभी नहीं बन रहा है, अभी थोड़ा और। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके तार बनने लगे हैं, देख पा रहे हैं हल्की हल्की तार आने लगी। अब फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे एक साइड ढक के रख देते हैं। अब बैटर तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में घी डालकर रख देंगे। उड़द की दाल 6 घंटे में अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब इसे एक दो पानी का फिर से धुल लेते हैं ताकि ये साफ हो जाए। मिक्सर जार में डालकर इसे बारीक स्मूथ पेस्ट की तरह पीस लेंगे। ध्यान रहे, इसमें पानी ज्यादा नहीं डालना है, 1-2 चम्मच डालकर ही इसको पीसेंगे। मिक्सर जार फंसने न पाए इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसें। ये देख पा रहे हैं इसमें पानी मैंने बहुत कम ही डाला है। देखिए फ्रेंड्स, इतना स्मूथ पेस्ट की तरह पीस चुका है। ये ड्राई है, ज्यादा गीला नहीं है। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें आप मिलाएंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसे मिलाकर एकदम अच्छी तरीके से फेटेंगे। जब तक ये एकदम फ्लफी ना हो जाए तब तक इसे आपको फेटना है। ये देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये एकदम फ्लफी हो जाएगा। दोस्तों, इससे बहुत ही क्रंची इमरती बनती है, आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं। ये फ्लफी हुआ या नहीं इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा डालकर चेक कर लेंगे। अगर बैटर ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए ये अच्छी तरीके से फेट चुका है। ये देख पा रहे हैं ऊपर ही आ गया है बैटर, यानी सही है। अब इसे एक पॉलिथीन में भर लेते हैं। आपको जिससे भी इमरती बनाना हो उसमें आप बैटर को भर लेंगे। अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पन्नी में भर कर उसे किनारे से पतला सा काट लीजिए, उससे भी आप इमरती अच्छी तरीके से बना सकते हैं।
अब इसे पन्नी में भरने के बाद ऊपर से इसे कस के किसी प्लास्टिक से बांध देंगे या कस के पकड़े रहेंगे ताकि यह बैटर ऊपर से न निकलने पाए। नीचे किनारे की तरफ कोने में पतला सा काट देंगे ताकि यह बैटर पतला सा निकले। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आप इमरती को घर में इजिली बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक। देखिए पहले ही बनाया है इसे दोस्तों, है बटर पेपर। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बटर पेपर पर इमरती बनाने की विधि। बटर पेपर आप अच्छी तरीके से इमरती का शेप दे सकते हैं। बटर पेपर पर सबसे पहले घी से ग्रीस कर लीजिए, घी से ग्रीस करना बहुत जरूरी है। बटर पेपर पर आप इमरती को अच्छी तरीके से शेप दे सकते हैं। डायरेक्ट घी या ऑयल में तलने पर बनाने पर शेप अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है, तो सबसे पहले एक गोला बनाते हैं, उसके ऊपर चढ़ाते हुए किनारे से एक बड़ा गोला करते हैं, उसके ऊपर गोला गोला छोटा छोटा राउंड करते करते एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ये दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट इससे आप बहुत अच्छी तरीके से इजिली घर में बना सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको बटर पेपर ही यूज करना है, कोई और कागज नहीं। बटर पेपर पर इजिली इमरती निकल आता है, चिपकता नहीं है और आपकी इमरती फुली फुली रहेगी, एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई नहीं रहेगी। आप जब खुद इस तरीके को यूज करोगे तो आप खुद देखोगे, ये देख पा रहे हैं इमरती बन चुकी है। अब इसे तल लेते हैं। हाँ ध्यान रहे, आपको इसे तलते वक्त फ्लेम एकदम हाई रखना है, आपकी ऑयल एकदम हीट रहनी चाहिए। पहले इन सभी को निकाल लेते हैं। आपको एक एक इमरती डालकर तलनी है। आप जब ऑयल में इमरती डालेंगे उस वक्त आपका फ्लेम हाई रहेगा, बट जब इमरती के ऊपर तेल चढ़ा देंगे उसके बाद आप फ्लेम लो कर देंगे। अब इसके ऊपर तेल चढ़ा दीजिए चारों तरफ से, इस तरीके से करने पर यह फूल जाएगा अच्छी तरीके से। अब फ्लेम लो कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम पर अब इसे बनाना है। एक मिनट तक किसी तरीके से करने के बाद जब यह नीचे से थोड़ा बटर पेपर निकलने लगेगा तब आप इजिली किनारे करके बटर पेपर को निकाल देंगे। आपके हाथ जलेंगे नहीं, परेशान न होइए, इजिली यह निकल आता है। किनारे करके किनारे से पकड़ के इसका बटर पेपर हटा देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इमरती निकल गया। आप चाहे तो इसी बटर पेपर पर दूसरी इमरती को शेप दे सकते हैं और चाहे तो नई बटर पेपर यूज कर सकते हैं। फ्लेम लो कर देंगे एकदम। फ्रेंड्स ये इमरती बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी लगेगी, आप इसे एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। एक और आपको बनाकर दिखाते हैं। घी से ग्रीस कर लेते हैं, घी से ग्रीस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी इमरती इसी में चिपकी रहेगी। दोस्तों बटर पेपर से इमरती बनाने की ये ट्रिक आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। अब इमरती बनाना इतना आसान है कि आप इसे घर में इजिली बना सकते हैं। अगर आप इसे मार्केट लुक देना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर बैटर में मिलाएंगे और सीरे में भी थोड़ा सा मिला लेंगे, इससे आपका मार्केट स्टाइल तैयार हो जाएगा इमरती। इसी तरीके से सभी इमरतियों को बनाकर धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन तल लेंगे। सभी इमरतियां तलने के बाद इसे गर्म सिरे में एक मिनट के लिए डुबो देंगे अच्छी तरीके से। इसे एक मिनट से ज्यादा नहीं डुबोएंगे, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स ये इमरतियां बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। इसमें कलर का उपयोग नहीं करेंगे, घर में बना रहे तो कलर का उपयोग क्यों करना। तो चलिए अब हम इसे आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं तो ये थोड़ी आकर्षक लगेंगी। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये डिलीशियस क्रंची ज्यूसी इमरती बनकर तैयार है। फ्रेंड्स अब आप भी घर में इजिली बटर पेपर पर इमरती को मनचाहा शेप दे सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है।
फ्रेंड्स, हम हर सैटरडे और वेडनेसडे को आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।